शिकार मामला, पुलिस की सक्रियता से बची हिरण की जान, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। पुणे जिले के इंद्रापुर शहर के पास सरस्वती नगर के घर में चिंकारा हिरण पाया गया, जिसके पैर बंधे हुए थे। शिकारी उसे काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण उसे बचा लिया गया। दरअसल 31 अक्टूबर की रात आरोपी ने अपनी गोखली वड़ापुरी गांव की सीमा के पास के जंगल से चिंकारा हिरण को पकड़ा और उसे अपने घर शहर के सरस्वती नगर इलाके में लाया और उसे काटने की तैयारी कर रहा था कि इस बात की भनक इंद्रापुर पुलिस को लग गई। इससे पहले वह अपने मकसद में कामयाब हो पाता, पुलिस उसके घर पहुंची और आरोपी परमेश्वर काले को गिरफ्तार कर लिया और चिंकारा हिरण को वन विभाग को सौंप दिया। चिंकारा बाळगल्या प्रकरणी इंदापूर शहर पोलीस स्टेशनला कळले असता इंदापूर शहर पोलीस स्टेशनने याबाबत सदर इसम श्री काळे आणि चिंकारा जिवंत हरिण ताब्यात घेतले, वन विभाग इंदापूरला कळवले आणि वन विभागाने सदरचे शिकार प्रकरणातील हरिण आपल्या ताब्यात घेतलेले आहे आणि या प्रकरणी पुढील तपास चालू केलेला आहे। सदर वन गुन्ह्याच्या तपासामध्ये संबंधित इस्माने आरोपीने अशा प्रकारे कशासाठी ते हरिण ताब्यात घेतलं होतं, त्या हरणाचा तो काय करणार होता, अशा प्रकारचे हरणं त्यांनी यापूर्वी ताब्यात घेतली होती किंवा त्याचं काय केलं, असा आम्ही कसून तपास पुढील काळात करणार आहोत। या प्रकरणी उपवन संरक्षक पुणे वन विभाग पुणे राहुल पाटील आणि सहायक वन संरक्षक श्री राजगुरू याच्या मार्गदर्शनाखाली आणि या वन विभागाचा अधीनस्थ स्टाफ पुढील तपास करीत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।